कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सा आलू का हलवा। इसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और आप नॉर्मली भी अगर आपका मीठा खाने का मन करे तब इसे आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और टेस्टी इतना कि पूछो ही मत। इतना टेस्टी बनता है, ये बहुत ही यम्मी लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है और घर के ही सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। मीठे के तौर पर अगर व्रत में बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। तो सबसे पहले मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं, बॉयल कर लिया है और छील लिया है और अब इसे मैश करेंगे। आलू को मैशर से भी मैश कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं या चम्मच से भी। इसे मतलब गुटली नहीं रहनी चाहिए, एकदम से मैश हो जानी चाहिए ये। बिल्कुल आलू का हलवा बहुत ही इजी है और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। आलू का हलवा अगर व्रत में बना लेते हैं और अगर इसे व्रत में खाते हैं ना तो इससे पेट भी भर जाता है और भूख भी नहीं लगती बार बार, और साथ में ये टेस्टी भी बहुत लगता है। और मीठे में अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो आलू का हलवा बेस्ट ऑप्शन है। आलू मैश हो चुके हैं तो अब मैं घी और चीनी ले रही हूँ। तो ये 500-600 ग्राम के लगभग आलू हैं तो 200 ग्राम घी लगेगा और 200 ग्राम चीनी लगेगी। तो एक कढ़ाई लेंगे, तो एक कढ़ाई में एक बार 100 ग्राम के लगभग मतलब थोड़ा सा घी डाल रही हूँ मैं और बाकी बचा घी बाद में ऐड करेंगे। तो आलू के हलवे में घी आप एक बार में ज़्यादा डाल भी देंगे तो ये मतलब आलू का हलवा सीखने के बाद सेपरेट हो जाता है घी। वैसे ज़्यादा घी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आलू उबले हुए आलू है ना मैश किए हुए वो डाल देंगे। तो बस इसको सिकाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसको थोड़ा सेकना ज़्यादा पड़ता है, बाकी आलू के हलवे में घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आलू के हलवे को ना जैसे मिक्स करते रहेंगे और सेकते रहेंगे, आलू के हलवे को ज़्यादा सेकना पड़ता है। सेकने से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे। लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं आलू का हलवा बनने में। और इसको जैसे मिक्स करते रहेंगे और अच्छी तरह से इसे चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे। ज़्यादा मतलब लो भी करने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं रखना क्योंकि चिपक जाता है। मोटे तले का, मोटे पैंदे का जो भी आप कढ़ाई वगैरह लेना तो मोटे पैंदे का ले, जिससे आलू का हलवा नीचे चिपकेगा नहीं। और इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। तो अब थोड़ी देर इसको हो जाएगी ना भूनने के बाद, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इसे क्या करना है। तो अभी इतना घी काफ़ी है एक बार, तो घी आप थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ना तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो जैसे आप अपनी इच्छा है आपकी। वैसे घी इतना सही है, अगर 1 किलो आलू ले रहे हैं तो 200-300 ग्राम घी लगेगा, ज़्यादा इसमें घी की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप कम भी डालना चाहते हैं ना तो कम घी में भी ये बन जाता है। ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो जैसे कई बार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो घी हम जैसे कम खाना होता है तो कम भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मैंने थोड़ा सा घी डाला था तो ये वैसे चिपकता नहीं है। और इसमें घी जैसे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके बाद में डाल देंगे। तो अब ये काफ़ी सिक चुका है, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी भी आप अपने जैसे टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी 1 किलो आलू में लगभग 250-300 ग्राम चीनी लग जाती है क्योंकि आलू का खुद का भी मीठापन होता है, आलू में एक मीठा सा टेस्ट होता है। तो चीनी जैसे आपको ज़रूरत हो ना तो आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने से आलू का जो हलवा है ना ये काफ़ी जैसे चीनी पानी छोड़ देगी तो पतला पड़ जाएगा। तो अब ये जैसे देखिए अब ये थोड़ा सा ना पतला पड़ गया है, तो इसे सेकते रहेंगे, सिकाई करेंगे इसकी। सेकते सेकते इसे 10-1 मिनट लग जाएंगे, मतलब लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं सेकते हुए आलू के हलवे को। और जितना ज़्यादा जैसे सेक लेते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनता है। तो अब मैं ना दूध डाल रही हूँ इसमें, तो दूध हमें डालना है 1 कटोरी। तो दूध आप थोड़ा सा अगर मतलब 100-150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग दूध इसमें ऐड कर देंगे। दूध से जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हैं, मलाई वाला दूध है तो वह डाल सकते हैं आप। और नहीं तो आप सिंपल जो दूध आता है ना नॉर्मल अपने घर में उसी तरह से दूध भी इसमें डाल सकते हैं जो नॉर्मल आता है। इसे अच्छी तरह से जैसे चला देंगे और मिक्स करते रहेंगे। अभी जैसे काफ़ी पतला हो गया ना तो इसकी जब सिकाई करेंगे तो एकदम से ये मतलब ठीक हो जाएगा, 5 मिनट में ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो ये जो बाकी बचा घी है ना तो 1-2 बार में मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी, इससे इसमें एक ग्लोसी सी शाइन भी आ जाएगी, भी पड़ जाएगा और ऐसा भी नहीं लगता कि घी हमने कम डाला है, ज़्यादा घी की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने लगभग 500-600 ग्राम के लगभग आलू लिए थे और 150-200 ग्राम के लगभग घी लिया था। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा ठीक हो चुका है ना, तो इसे चलाएंगे और चलाते हुए इसे भून लेंगे। बस लगातार इसको थोड़ा चलाना पड़ता है क्योंकि नीचे जैसे जल ना जाए। थिक हो गया ना, इसे चलाते रहेंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगा। तो बाकी बच्चा थोड़ा सा जो घी बच गया था ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे, बाकी बच्चा घी ऐड करके और सेक लेंगे। मतलब बस इतना हमने 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा घी ऐड किया है, स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा सा घी डाल लिया, उसके बाद 2 बार थोड़ा थोड़ा घी डाला है। तो अब इसे जैसे सेक लेंगे तो ये देखिए अभी थिक भी हो गया
और अच्छी तरह से इसकी सिकाई भी हो गई है, अच्छी तरह से सीख चुका है। तो अब ये बिल्कुल जैसे एक सही कंसिस्टेंसी में आ गया है, सही कंसिस्टेंसी में है, और थोड़ा सा थोड़ी देर में ये काफ़ी जैसे और थिक हो जाएगा। जब ये पड़ा रहता है ना थोड़ी देर में, आलू जैसे मॉइस्चर होता है ना सूख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक सा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ना अब ये अच्छी तरह से सीख चुका है। तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो नॉर्मली भी अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो आलू का हलवा बिल्कुल शादी ब्याह में जैसे खाते हैं ना बिल्कुल वैसा बना है, बिल्कुल टेस्टी है और बहुत ही अच्छा बना है। तो ये देखिए अब मैं इसे थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको भी जैसे हलवा बनाते टाइम ड्राई फ्रूट डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है और बिल्कुल शादी ब्याह जैसा, बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम शादी ब्याह में खाते हैं बिल्कुल वैसा बना है। और सिकाई करते हैं ना जब इसकी ज़्यादा, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ज़्यादा घीचीनी भी नहीं चाहिए। और अब ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। इजाज़त दीजिए आज की रेसिपी में बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अगर मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।